वर्नियर कैलिपर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विथ ग्रेटर एक्यूरेसी देन द नॉर्मल प्लेन स्केल। ये तो आप सबको मालूम है पहले से ही कि वर्नियर कैलिपर क्या काम आता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को मेजर करने के काम आता है। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास नॉर्मल प्लेन स्केल होता है, तो वर्नियर कैलिपर को यूज करने का क्या फायदा है, पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक नॉर्मल प्लेन स्केल है। ठीक है, इन द नॉर्मल प्लेन स्केल यू ऑलरेडी नो दैट द गैप बिटवीन द टू डिवीजन, दो डिवीजन बीच जो गैप है दैट इज 1 mm। इट मीन्स इट कैन मेजर मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 mm। मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसकी हम लेंथ मेजर करते हैं, द लेंथ इज ग्रेटर देन यूर 9 mm बट लेस देन 10 mm। ठीक है, 9 और 10 के बीच में कहीं रीडिंग है। ठीक है, तो ये हमें एग्जैक्टली प्लेन स्केल नहीं बता सकता कि 9 mm से कितना ग्रेटर है या 10 mm से कितना लेस है द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट मीन्स द एक्यूरेसी इज 1 mm। ये हमें पहली रीडिंग क्या बताएगा, 9 mm बताएगा, या उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग क्या दे सकता है, 10 mm दे सकता है, या उसके बाद 11 दे सकता है, 12 दे सकता है। लेकिन 9 और 10 के बीच में यदि आपकी रीडिंग आ रही है, आपके डायमेंशन ऑफ के ऑब्जेक्ट है, तो ये उसको डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये मिनिमम कितना मेजर कर सकता है, इट कैन बी मेजर मिनिमम ऑन 1 mm। तो इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, 9.0 mm, ठीक है, इतना ही बता सकता है। ठीक है, पॉइंट के बाद इट कैन नोट, इस पॉइंट के बाद दैट डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट ये डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन बट इन द केस ऑफ ए वर्नियर कैलिपर, जब वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, तो इट कैन बी डिफाइन द एक्यूरेसी ऑफ 2 digit आफ्टर द डेसिमल। मतलब यदि आप इसी ऑब्जेक्ट को मेजर करना चाहो बाय यूजिंग द वर्नियर कैलिपर, तो इट कैन गिव द रीडिंग लाइक दिस 9.32 mm। मतलब क्या हुआ कि अब ये क्या, ठीक है, वर्नियर कैलिपर क्या कर सकता है, पॉइंट के बाद भी 2 digit तक आपको एक्यूरेट आंसर दे सकता है। हाँ, यदि आप चाहो कि 3rd digit भी आ जाए यहाँ पर, द 3rd digit लाइक इज ए 5, तो इट इज नॉट पॉसिबल बाय द वर्नियर कैलिपर, वो वर्नियर कैलिपर से भी पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स इट गिव ओनली द एक्यूरेसी ऑफ 2 digit आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद 2 digit तक हमें क्या दे देगा, रीडिंग दे देगा इन mm के अंदर भी। ठीक है, आपका जो नॉर्मल स्केल था वो 9 mm बताता, 9 mm के बाद कितना बताता आपको, 10 mm बताता, बीच की कोई रीडिंग नहीं दे सकता था। वर्नियर कैलिपर में 2 scale होते हैं, एक आपका मेन स्केल होता है और एक आपका वर्नियर स्केल होता है। एक्चुअली द वर्नियर इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट जिसने इस प्रोसीजर या इस मेथोडोलॉजी का डिस्कवर किया या इन्वेंशन किया, उसी के नाम पर हम वर्नियर स्केल बोलते हैं। ये जो मेन स्केल है, यहाँ पर ये आपका नॉर्मल जो स्केल होता है उसी तरह ही काम करता है। 2 divisions के बीच में जो गैप है वो दैट इज 1 mm, वो 1 mm का है। और ये जो वर्नियर स्केल है ये किस तरह काम करता है, ये हम नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, देयर 2 jars, एक 2 jars नीचे की तरफ होते हैं, एक जा आपका मेन स्केल से जुड़ा होता है और दूसरा जा आपका वर्नियर स्केल के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, दिस जा आर यूज टू मेजर द एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जैसे आपको इसका डायमीटर मेजर करना है, एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करना है, तो वी आर गोइंग टू यूज दिस लोअर जा, नीचे वाले जा को यूज करते हैं। सिमिलरली दे आर 2 upper jars। ठीक है, द वन इज कनेक्टिंग टू द मेन स्केल एंड वन इज कनेक्टिंग टू द वर्नियर स्केल। ठीक है, एंड दैट इज नो इज यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर, जैसे इंटरनल मेजरमेंट ऑफ एनीथिंग, जैसे इंटरनल डायमीटर ऑफ ए होल, तो वी आर गोइंग टू यूज द अपर जा, हम अपर जा यूज करते हैं। ठीक है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो ऊपर वाला जो स्केल है आपका, ठीक है, दैट इज मेन स्केल, और यहाँ पर तो 2 divisions के बीच में जो गैप है दैट इज 1 mm। और वर्नियर स्केल के बारे में नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
ऑन द मैन स्केल, दिस इज योर मेन स्केल, ये आपका मेन स्केल है और ये आपका वर्नियर स्केल है। ऑन द मेन स्केल मान लीजिए हम 10 mm ले लेते हैं, ये आपका 1 cm है और ये आपका 2 cm है, बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 mm, वो 10 mm डिस्टेंस है। तो दिस मेन स्केल द 10 mm लेंथ इज डिवाइडेड इन टू द 10 इक्वल डिवीजन। इट मीन्स वन डिवीजन इज इक्वलेंट, इक्वलेंट का मीनिंग होता है सेम इफेक्ट टू लेंथ ऑफ ए मेन स्केल। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल 10 mm है, तो 10 mm को यदि हम 10 डिवीजन से डिवाइड कर दें तो दैट वन डिवीजन इज, एक डिवीजन किसके बराबर आ गया हमारा, दैट इज 1 mm। ये हमारा किसके बराबर आ गया, 1 mm के बराबर आ गया। यदि आपको मेन स्केल पर ये बात समझ में आ गई है तो आप वर्नियर स्केल के ऊपर भी इसको इजीली समझ पाओगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी दो डिवीजन ले लीजिए, हर डिवीजन के बीच में जो गैप है दैट इज इक्वल टू 1 mm, वो 1 mm के बराबर है, इज इक्वल टू 1 mm। नाउ कम ऑन द वर्नियर स्केल, द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल फ्रॉम पॉइंट जीरो टू दिस लास्ट पॉइंट दैट इज मार्क एज जीरो इज 49 mm। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 49 mm लॉन्ग है ऑन द वर्नियर स्केल, एंड इट इज डिवाइडेड इन टू द 50 इक्वल डिवीजन, और इसको 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड किया गया है। इट मीन्स द 50 डिवीजन इज इक्वलेंट टू द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल इज 49 mm। जो 50 डिवीजन की जो लेंथ है वो किसके इक्वलेंट है, 49, क्योंकि लेंथ है 49 mm, 49 mm लॉन्ग लेंथ है, और उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 50 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दिया। तो वन डिवीजन इज इक्वलेंट टू द लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल, तो एक डिवीजन के लिए क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे 49 को, किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे, एंड दैट इज इक्वल टू 0.98 mm। इट मीन्स द गैप बिटवीन एनी टू डिवीजन, दो डिवीजन के बीच में गैप, कहीं भी दो डिवीजन ले लीजिए, द गैप बिटवीन द टू डिवीजन इज 0.98 mm। यहाँ पर 1 mm नहीं है, मेन स्केल के ऊपर दो डिवीजन के बीच में जो गैप था इज इक्वल टू 1 mm, वो 1 mm के बराबर था, लेकिन वर्नियर स्केल के ऊपर दो डिवीजन के बीच में जो गैप है दैट इज 0.98 mm। That is most important thing to understood the vernier scale. यदि आपको बात समझ में आ गई तो आपको vernier scale भी समझ में आ गया। ठीक है, main scale के ऊपर दो division के बीच में gap 1 mm और vernier scale के ऊपर दो division के बीच में gap 0.98 mm। ठीक है, तो vernier scale one division जो length है is shorter than the main scale one division length is equal to। देखो यहाँ पर दो डिवीजन के बीच में जो गैप है वो 1 mm का है, ठीक है 1 mm लिख लिया, और यहाँ पर दो डिवीजन के बीच में जो गैप है दैट इज इक्वल टू 0.98 mm, तो डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, दैट इज 0.02 mm। ठीक है, द गैप बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ वन डिवीजन इज 0.02 mm, एंड दैट इज नोन एज द लिस्ट काउंट। ये क्या है, इसका लिस्ट काउंट है वर्नियर स्केल का, लिस्ट काउंट मीन्स दैट इज द मिनिमम वैल्यू विच कैन बी मेजर्ड बाय द वर्नियर स्केल। आपका जो नॉर्मल प्लेन स्केल था वो कितना मेजर कर पा रहा था, 1 mm मेजर कर रहा था। अभी ठीक है सेकेंड स्लाइड में जो हमने देखा था कि जो वर्नियर स्केल है इट कैन मेजर ओनली 1 mm, बट आपका जो वर्नियर स्केल है वो कितना मिनिमम मेजर कर सकता है, 0.02 mm तक मेजर कर सकता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम रीडिंग कैसे ले, ठीक है कैसे हमको ठीक है, ये आपका जो मेन स्केल है और ये जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जो फर्स्ट जीरो है उसकी पोजीशन को सबसे पहले आपको देखना है। देखो ये आपका जीरो की जो पोजीशन है, किसके पोजीशन, वर्नियर स्केल की जीरो की, इट इज लाई आफ्टर दिस डिवीजन। ठीक है, टू का मतलब क्या है यहाँ पर, 2 cm। मेन स्केल तो आपका नॉर्मल स्केल की तरह ही है, ये 1 is 1 cm, 2 is 2 cm, 2 cm मीन्स 20 cm, 20 mm। उसके बाद एक डिवीजन और है आगे, 0 is crossing 1 more division, दिस मीन्स 21, तो रीडिंग इज, लेकिन ये 0 22 से पीछे है, तो रीडिंग इज इन बिटवीन 21 and 22 mm। जो रीडिंग लाई कर रही है वो कहाँ लाई कर रही है, 21 और 22 mm से लाई, बीच में लाई कर रही है, तो वी कैन से दैट द रीडिंग इज ग्रेटर देन 21 mm,
बट लेस देन द 22 mm, ठीक है ना। रीडिंग 21 mm से ज़्यादा है लेकिन 22 mm से कम है, इतना तो कन्फर्म है। तो डायमेंशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन 21 mm, ठीक है। जो भी डायमेंशन होगा वो 21 mm से ज़्यादा ही होगा, प्लस ठीक है कितना ज़्यादा होगा दैट इज xmm, तो xmm और ऐड कर लेते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो रीडिंग ऑन द मेन स्केल इज 21 mm प्लस लिस्ट काउंट, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द ओवरलैपिंग लाइन ऑफ मेन एंड वर्नियर स्केल। क्या करना है आपको, सबसे पहले मेन स्केल देखना है, मेन स्केल के ऊपर आपका वर्नियर स्केल का जीरो कहाँ लाई कर रहा है, जहाँ वो लाई कर रहा है, ठीक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे किससे ग्रेटर है रीडिंग, या रीडिंग 21 से ज़्यादा है 22 से कम है, तो हमने 21 mm लिख लिया प्लस, ठीक है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे निकालेंगे, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इन लाइन्स को देखना शुरू करेंगे वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ क्या कर रही है, ओवरलैपिंग कर रही है। देखते जाओ आगे बढ़ते जाओ, फर्स्ट लाइन देखनी है तो हमें पता लगा ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन मर्ज कर रही है, ठीक है, मेन स्केल के साथ। लाइन को कैसे देखना है, परपेंडिकुलर देखना है, ठीक है। अब यहाँ से लेकर जीरो से लेकर इस लाइन तक सभी डिवीजन काउंट कर लीजिए, देखो जीरो और वन के बीच में 5 डिवीजन है, ठीक है, फिर वन और टू के बीच में कितने डिवीजन है, 5 डिवीजन है, तो 7 तक कितने डिवीजन हो जाएंगे, 35, तो डिवीजन अप टू 7 इज 35, आफ्टर दैट काउंट, ठीक है, 35, 36, 37, 38, 39, तो वी फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल दैट इज 39 एंड मल्टीप्लाई विद द लिस्ट काउंट दैट इज 0.02 mm इज इक्वल टू, ठीक है, इनको सबको ऐड कर दीजिए एंड वी विल फाइंड दैट द रीडिंग इज 21.78 mm। इट मीन्स, ठीक है, मेन स्केल से, ठीक है, यदि हम नॉर्मल स्केल होता तो वो रीडिंग कैसे देखता हमारी, ठीक है, इट विल रीड ओनली 21 mm, ठीक है, मेन्स वो 21 mm, नॉर्मल स्केल 21 mm रीड करता है, इसके बाद क्या रीड करता है, डायरेक्ट 22 mm रीड करता है, लेकिन वर्नियर कैलिपर ने हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक एक्यूरेसी दी है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और डिफाइन किए हैं इन mm के अंदर। जो ओवरलैपिंग लाइन देखनी है वो वर्नियर स्केल पर देखनी है, जीरो से देखना स्टार्ट करना है कि यहाँ से, ठीक है, कौन सी फर्स्ट लाइन, इधर बढ़ते हुए आगे बढ़ते जाइए और कौन सी वर्नियर की लाइन मेन स्केल के साथ मैच कर रही है। इन दिस केस दिस लाइन, कंटिन्यू आगे बढ़ते गए, और ये जो लाइन है आपकी, ये वाली जो लाइन है वर्नियर स्केल की, ये आपकी मैच कर रही है मेन स्केल के साथ, ठीक है, मेन स्केल की लाइन के साथ एग्जैक्ट एक लाइन बना रही है। तो हम यहाँ से लेकर, इस जीरो से लेकर और यहाँ तक सभी लाइंस को क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन काउंट कर लेंगे। तो जीरो और वन के बीच में 5 डिवीजन है, जीरो और वन के बीच में 5 डिवीजन है, नेक्स्ट 5 डिवीजन, 5 डिवीजन, तो 7 तक कितने डिवीजन हो जाएंगे हमारे, 7 तक 35, उसके बाद 36, 37, 38 और ये 39। इस तरह हम क्या कर पाते हैं, ठीक है, जो हमारी ओवरलैपिंग लाइन है उसको ढूंढकर सभी डिवीजन्स को काउंट करते हैं ऑन द वर्नियर स्केल।